हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ओप्पो मोबाइल में डिलीट हुए फ़ोटो, वीडियो या डॉक्यूमेंट को कैसे वापस लाएं। तो इसके लिए अपने फाइल मैनेजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए, सबसे पहले हम अपने डिवाइस स्टोरेज पर क्लिक करते हैं और यहां से कुछ फ़ोटो और वीडियो डिलीट कर देते हैं। देखिए, इस फोल्डर पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर कुछ वीडियो हैं, इन्हें डिलीट कर देते हैं। वापस आते हैं और यहाँ पर कुछ फ़ोटो हैं, चलिए इन्हें भी डिलीट कर देते हैं। तो गाइस, ऐसे ही आपने भी डिलीट किया होगा या गलती से डिलीट हो गया होगा। देखिए, इतना कर लेने के बाद वापस आते हैं। अब फिर से फाइल को ओपन करते हैं वापस लाने के लिए। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर रिसेंटली डिलीटेड का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, जितने भी फ़ोटो और वीडियो डिलीट हुए रहेंगे सब यहाँ पर शो करेंगे, यहाँ पर रहेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, करना क्या है, किसी एक को सेलेक्ट करना है, फिर ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है, सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। अब जिनको जिनको वापस लाना है उस पर देखिए टिक लगा हुआ है। फिर यहाँ पर नीचे रिकवर का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर रिकवर ऑल आइटम्स पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे बैक आते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ पर आ चुके हैं। अब डिवाइस स्टोरेज पर क्लिक करते हैं और यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो इस फोल्डर पर क्लिक करते हैं, देखिए वीडियो वापस आ चुके हैं। फिर से बैक आते हैं और अब यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखिए सभी फ़ोटो भी वापस आ चुके हैं। इस तरीके से आप भी वापस ला सकते हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।